रैगिंग, यह शब्द पढ़ने में तो सामान्य लगता है, पर इसके पीछे छिपी भयावहता को वे ही छात्र समझ सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। भले ही आजकल के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नो रैगिंग, रैगिंग करना जुर्म है ऐसे पोस्टर लगा दिए जाते हैं, पर शायद इनका असर दिखता हो। असर ना तो छात्रों पर दिखता है, ना ही कॉलेज प्रशासन पर। रैगिंग का एक ऐसा ही मामला मेरठ के BIT कॉलेज से आया, जहाँ कॉलेज के छात्र धरने पर बैठ गए। और छात्रों का कहना है कि कॉलेज के मैनेजमेंट की मदद से नशे की हालत में छात्र कॉलेज के अंदर आते हैं और जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले से इनकार करते हुए मामले से पल्ला ही झाड़ लिया है। तो आइए आप भी देखिए BIT कॉलेज के छात्रों ने इस मामले पर क्या कहा। आपका नाम? सर मेरा नाम सोमेश पाटिल। ये जो आप थाने आए हो, किस मामले को लेकर आए हो? सर मैं ये गुंडागर्दी को लेकर आया हूँ। मैं भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ का स्टूडेंट हूँ। मैं बीटेक आईटी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट पे बैठा हुआ था और कुछ जाट लाइक यहाँ के जो हैं, जिन्हें यहाँ फैसिलिटीज दी जाती है, वो वही बंदे जो दो साल तीन साल पहले यही काम करते हैं कि अगले साल पिछले साल भी कुछ बच्चों को मारे थे, वही बंदे थे, कोई अदर नहीं। वो फिर इसको टारगेट किया और इसे मारे, बिकॉज वो चाहते हैं हॉस्टल में कॉलेज में जाट को वो चले और हमें दबा के रखें, और अगर कोई बोल रहा है बीच में तो उसको मारते हैं। और सर, और ये हमारे वार्डन का सेक्रेटरी क्या है, कुछ नहीं, कोई फैसिलिटीज हमको नहीं है, ना ही हॉस्टल में कोई मेडिकल मिलता है, ना ही कुछ मिलता है। और वो डे स्कॉलर्स आके हमारे हॉस्टल में रैगिंग करते हैं और हमारे हॉस्टल में आके हमारे हॉस्टल के बच्चों को मारते हैं, कैंपस में आके मारते हैं। वो डे स्कॉलर, वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज है, वो जब चाहें तब गेट के अंदर आ सकते हैं, और हम अपनी बाइक 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक अपनी बाइक निकाल नहीं सकते, और वो चाहे 4 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो, कोई किसी भी टाइम पे वो आ सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, कैंटीन पे आके हंगामा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए सारी फैसिलिटीज है, हमारे वार्डन वहाँ बैठे रहेंगे, वो भी इसको देख के इग्नोर कर देंगे, पर हमारे लिए अगर हम कुछ भी गलत करते हैं वो किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट को आपने शिकायत की है? सर मैनेजमेंट को, सर हम लोगों ने कितनी बार शिकायत की है पर कोई नहीं हुआ। पर सर क्या शिकायत करें सर, 4 साल से ये प्रोसेस रेगुलर होता आ रहा है, हमेशा किया गया है। पिछले साल भी लड़ाई हुई थी, पिछले साल भी पुलिस केस तक बात आई थी, इस बात को दबा दिया। और हमारे हॉस्टल में बंदों के देश को यहाँ के लोकल आके पैर तोड़ दे रहे हैं, उसका क्या किया जा रहा है, बस उनको थोड़ा सा मार दे रहा है, 10 दिन के लिए उनको कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है, खत्म, बात खत्म। कॉलेज पैसा, सर जिसका पैर टूट गया हो उसको कॉलेज पैसा देगी क्या मतलब है, क्या मतलब है उसका? सर किसी का पैर तोड़ दे, कोई उतने दूर से बिहार से कोई 1500 किलोमीटर चल के आया पढ़ने के लिए आया, लोकल की दादागिरी झेलने आया, और हमारे मैनेजमेंट है कि लोकल को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक बोला जाता है कि लोकल अगर आके रैगिंग लेते हैं तो यहाँ तक बोला जाता है आप मेरी रैगिंग ले लो। यहाँ के हमारे वार्डन, हमारे मैनेजमेंट ऐसे बोलते हैं इन लोकलों को, ये ऐसा बोला जाता है। सर क्या आप क्या बताएंगे इनके बारे में? आपका नाम? मेरा नाम रितेश चंदेल है। आप जो थाने आए हो, किस मामले को लेकर आए हो? मैं यहाँ पे गुंडागर्दी के मामले को लेकर आया हूँ, कॉलेज के अंदर बाहर वालों की। अच्छा। जो डे स्कॉलर बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल के ऊपर जो गुंडागर्दी करने आते हैं। मैं रोज, मतलब मैं हॉस्टल थर्ड ईयर में BTech थर्ड ईयर EC का स्टूडेंट हूँ। 3 साल से हॉस्टल में रहा, मैं 3 साल है मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे बाहर के लड़के आ जाते हैं और उनका कोई अंदर आने का अलाउट नहीं है, कि बाहर के लड़के अंदर नहीं आ सकते किसी भी हॉस्टल के अंदर, जो कॉलेज की सिक्योरिटी होती है हमें देने की। लेकिन वहाँ पे वो करीबन 9 से 11 लड़के आते हैं बाहर के अपनी गाड़ियाँ लेके, बाइकें लेके, और वहाँ पे हम लोग खेलने आते हैं, बीच में मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं यहाँ से बाहर निकल। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, मैं तो हॉस्टल का हूँ। और मुझे फिर मारना, बस बिना किसी बात के मुझे मारना शुरू कर दिया, और 11 लोगों ने मिलकर मुझे अकेले को मारा। कौन से कॉलेज का मामला? BIT भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ का मामला है। चोटे यहाँ पे चेहरे पे साफ दिख रही है, ये हाथ पूरा सूजा पड़ा है, छाती में भी लाते हैं, टी शर्ट फट गई है, निशान है, सर में बहुत चोटे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन।